जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजीह हसन अलवी एडवोकेट इज़ हेयर एंड यू आर वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। असला लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप डिटेल्ड जो है वो जान सकते हैं अबाउट असला और अबाउट असला लाइसेंस। और हंटिंग लाइसेंस पे भी वीडियोस हम बना चुके हैं कि अगर आपने शिकार के लिहाज से अगर कोई लाइसेंस लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ी है, वो भी हम बता चुके हैं। डिफरेंट इसकी सज़ाएँ बता चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉलेज आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा अबाउट असलहा और असलहा लाइसेंस। आज हम बात करेंगे, लेटेस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि पहले तो आप देखते थे कि ये जो आर्म्स लाइसेंस हैं इनको, एक तो 1965 का जो ऑर्डिनेंस है, पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 का, वो डील करता था, और दूसरा 2017 के पंजाब रूल्स से। अब वो जो पंजाब रूल्स थे उनको चेंज करके उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट आती है, जैसे कि फ़ीस बढ़ानी होती है, थोड़ा बहुत प्रोसीजर चेंज कर दिया जाता है। लाइक पहले अगर इन हैंड एप्लीकेशन मूव करते थे, ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो जो 2023 के रूल्स हैं पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 के जो पंजाब आर्म्स रूल्स हैं उनका जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर डिफरेंट जो असलहा से रिलेटेड, असलहा लाइसेंस से रिलेटेड जो फी स्ट्रक्चर था उसमें तब्दीली की बात की गई थी, जिसको पंजाब की जो मौजूदा कबीना है, निगरान सेटअप है, उसने जो है जिसकी मंजूरी दे दी है। और मंजूरी देने के बाद जो है वो कानों को हाथ भी लग गए हैं, और असलहा लाइसेंस बनाना जो है ना आलमोस्ट जो है अब बहुत से लोगों के लिए उन्होंने इम्पॉसिबल सी चीज़ जो है वो कर दी है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या असला लाइसेंस जो है वो कोई बड़ी मायूब चीज़ है, क्या ये कोई बड़ी गुनाह वाली चीज़ है जो इतना जो है इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सेफ्टी के लिए एक चीज़ है, और सबके पास असलहा जो है वो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। बींग अ लायर हमें तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, और असलहा होना भी चाहिए हर बंदे के पास, और उसकी सेफ्टी का ये एक कह लेंगे ज़मीन है। तो अगर आप जो है असलहा लाइसेंस की फ़ी जो है वो इस कदर बढ़ा देंगे तो आप एक्चुअली जो है वो लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि वो असला गैर कानूनी फिर ख़रीद के रखते रहें, कानूनी तौर पे कानूनी तरीके की तरफ फिर लाइसेंस लेने की तरफ ना आए, तो फिर ये कितनी गलत बात है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं जी, पॉलिसीज उन्होंने मेड आउट कर दी हैं। बहुत ज़्यादा आप इसमें इसके बारे में सुनते हैं अक्सर ही, आप मुझे बहुत सारी जो है ना पिछले दिनों में भी कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं कि पंजाब की हद तक लाइसेंस बनवाना है तो वो क्या प्रोसीजर है। ये वो प्रोसीजर तो खैर उनको यहाँ से पता चल जाता है, लेकिन जो वो प्रैक्टिकली आते हैं कि हमने लाइसेंस बनवाना है, तो आगे से उनको सुनने को मिलता है जी के लाइसेंस जो हैं वो अभी नहीं बन रहे, बंद हैं। तो वो क्यों बंद होते हैं? वो इसी वजह से बंद होते हैं कि आए दिन कहीं कभी फ़ी स्ट्रक्चर का इशू आ रहा होता है, कभी किसी चीज़ का इशू आ रहा होता है। तो अब 2023 में जो है लेटेस्ट जो इसमें फ़ी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस कर दी गई हैं, हम आपके लिए वो सारी जो फ़ी स्ट्रक्चर है ना उसको लेके आए हैं कि कौन कौन सा जो है ना इसमें फ़ी स्ट्रक्चर जो है चेंज किया गया, पहले कितनी फ़ीस थी, अब उस चीज़ की फ़ीस कितनी होगी। तो बात करते हैं जी, अगर आपने नॉर्मली आपकी सेफ्टी के लिए अगर कोई आपको चाहिए ना लाइसेंस, सेफ्टी के लिए असला है और उसका आपको लाइसेंस चाहिए, जो आपने शौकी तौर पर रखा हुआ है या आपकी अपनी सेफ्टी के लिए लेट्स सपोज रखा हुआ है, तो पहले अगर उसकी फ़ीस 10,000 थी तो अब उसकी फ़ीस 10,000 से बढ़ा के वो 50,000 तक जो है वो कर दी गई है। एक बात, दूसरा जो है मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपने जो है वो ये बात सुन सकते हैं, जाके देख सकते हैं, मैंने बताया था कि अगर कोई लाइसेंस होल्डर है तो वो फोत हो जाता है, तो उसके फोत होने के बाद जो उसके लीगल हेयर्स हैं उनमें से कोई एक बंदा जो है आके अपने नाम पे असला जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकता है, और उसकी फ़ी जो है वो ट्रांसफ़र की पहले 1,000 रुपया जो है वो फ़ीस थी, जो कि माइन्यूट सी फीस थी, बंदा 1,000 रुपया लगा कर वो ट्रांसफ़र करवा सकता था। अब उस 1,000 फीस को बढ़ा के वो 10,000 रुपया जो है वो ट्रांसफ़र का कर दिया गया। मज़ीद अगर मैं इसमें बताऊँ आपको तो जो सबसे बड़ा इसमें जो है वो मैं कह सकता हूँ कि जो जुल्म किया गया है वो ये है कि आपके पास लेट्स सपोज किसी प्रोविंस का जो है वो असला लाइसेंस है, लेट्स सपोज पंजाब का है, अब पंजाब से आपने कन्वर्ट करवाना है उसे ऑल ओवर पाकिस्तान में, इसका प्रोसीजर क्या है मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है। अगर आपने वो कन्वर्ट करवाना है तो उसकी फ़ीस पहले जो है वो अगर 5,000 रुपया थी तो अब उस 5,000 को बढ़ा के 1,00,000 रुपया कर दिया गया।
किस कदर जुल्म की बात है कि अगर आपके पास एक प्रोविंस का तो लाइसेंस है, उस प्रोविंस से पाकिस्तान में कन्वर्ट करवाने के लिए 5,000 रुपया लगता था, आप करवा लेते थे। अब उसकी फ़ीस जो है वो 1,00,000 रुपया कर दी गई है। उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो बुलेट्स की जो है वो पर बुलेट जो है वो 10 से 12 रुपये जो है वो बुलेट्स में भी बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद रीन्यूअल फ़ीस के, मैंने इस पर भी एक लेक्चर मौजूद है मेरा, आप जाके देख सकते हैं रीन्यूअल का प्रोसेस क्या है। तो रीन्यूअल जो कि साल बाद या 5 साल बाद या 60 साल के बाद 10 साल तक भी जो है वो हो जाता है उसका, तो रीन्यूअल की फ़ीस जो कि कभी 1,000 रुपया थी, 1,000 में आपका रीन्यू हो जाता था लाइसेंस, अब उसकी फ़ीस जो है 1,000 से बढ़ा के वो 5,000 रुपया उसकी भी फ़ीस कर दी गई है। उसके बाद मज़ीद बढ़ते हैं कि आपने जो है वो इस बात पे भी मेरा जो है वो लेक्चर मौजूद है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि बोर जो है उसको चेंज करवाना है, बुलेट्स की तादाद जो है उसको चेंज करवाना है, बढ़ाना है, या कुछ और इसमें आप चेंजिंग चाहते हैं किसी किस्म की, या कोई करेक्शन है, तो उसके लिए भी पहले जो है वो 1,000 रुपया जो है वो फ़ीस लगती थी और आपका ये काम हो जाता था। अब उसकी फ़ीस को भी 1,000 से बढ़ा के 5,000 रुपया जो है वो कर दिया गया है। तो ये डिफरेंट तरह के जो है ना फ़ीस स्ट्रक्चर में चेंजेस आई हैं, ये डिफरेंट चीज़ें आपके सामने रखी हैं ताकि वो सारी आपकी क्यूरीज दूर हो सकें कि लाइसेंस क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों हम आपको कहते हैं जी अभी ना बनवाएं, क्यों हम आपको कहते हैं जी अभी किसी को पैसे ना दीजिएगा। जब बन रहे होंगे इंशाल्लाह आप रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बनवा के भी देंगे और इंशाल्लाह आपका काम जो है ऑन गारंटी इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन अभी जो है लाइसेंस इस वजह से बंद थे कि फ़ीस स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड थी जिनकी मंजूरी हो गई है, और अब उम्मीद है कि लाइसेंस जो है ना दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो गया। अब फीसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर जो है मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेन जिन पर आपका फोकस था, जो क्यूरियस थी उनको दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद है जी आपको आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें जी, और इसको आगे से आगे शेयर भी कर दिया करें। जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू।